हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, जो कि है गेहूं के आटे के ढोकले। ये एक राजस्थानी डिश है और जो कि बहुत ही आसान तरीके से बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाता है। आप इसे लंच, डिनर और नाश्ते में खा सकते हैं। मैं आपको अब बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले हम अपनी वीडियो की तरफ बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बनते हैं। तो आटे के ढोकले में जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है, सबसे पहले तो ये 500 ग्राम मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा, ठीक है। ये है रिफाइंड ऑयल जो हमें मोइन के लिए चाहिए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये है पापड़ खार जो कि ढोकले में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये है साबुत धनिया और ये है लाल मिर्ची। अब इन सबको हम आटे में टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करेंगे। अब हम आटे में ये रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, हमें इसमें पापड़ खार भी डालना है तो नमक उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करें, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा। अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 5 से 7 हरी मिर्ची काट के रखे हैं, इसको भी ऐड करेंगे। साबुत धनिया हाथों पे ऐसे रख के थोड़ा सा क्रश करके इसको डालेंगे। ये पापड़ खार, इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको मैश करेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। लास्ट में इस हरे धनिया को ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें डो तैयार करना है। हल्के हाथों से इसको ऐसे मसल मसल के, ऐसे प्रेस करके इसको ऐसे डो तैयार करना है। ये देखिए, अब हमारा ये डो लगकर बिल्कुल तैयार हो गया है। हमें बिल्कुल इस तरीके से डो तैयार करना है। अब हम इसमें से छोटे छोटे लोई काट के निकालेंगे इस तरीके से। तरीके से लोई बना के हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों पे इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमा के इसको राउंड शेप देना है। इस तरीके से राउंड शेप देंगे, फिर इसको हम हल्के हाथों से इसको ऐसे सेंटर में बीच में दबा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से दबाने के बाद हमें क्या करना है, बीच में ऐसे एक फिंगर से हमें सेंटर पे बिल्कुल सर्कल बनाना है, एक छेद करना है। ऐसे ही हमें बाकी के लोइयों को भी बना के तैयार करना है। अब हम इसको पकाएंगे, तो चलते हैं गैस की तरफ। हमने एक इडली मेकर ले लिया है, इसमें हमने आप देख सकते हैं बॉटम लाइन तक पानी डाला है। उसके बाद हम इसमें इसकी प्लेट रख देंगे इस तरीके से। पानी गर्म होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा पानी गर्म होते ही हम अपने ढोकलों को इसमें डाल देंगे। अब हमारा ये पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपने ढोकलों को इस तरीके से डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे ताकि हमारे ढोकले आपस में चिपके नहीं। बाकी को ढोकलों को भी ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे ढोकलों को अरेंज कर दिया है। अब इसको हम ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे धीमी आंच पे। ये आप देख सकते हैं, हमारे ढोकले अब बॉयल होने लग गए हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं चाकू से, इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के देखते हैं। ये इजीली कट हो रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारे ढोकले, ये देखिए कट गए, आसानी से कट गया। ये अंदर का भी अच्छे से पक चुका है।
अब हमारे ये ढोकले तैयार हो गए हैं। गैस को कर देंगे ऑफ। अब इनको सर्विंग के लिए सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे ये ढोकले सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको आप गरम गरम खा सकते हो। इसके ऊपर आप घी डाल दो, थोड़ा सा घी डाल के इसको गरम गरम आप कढ़ी के साथ, चटनी के साथ, दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप अच्छे से इसको सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। देखने में बहुत यम्मी लग रहे हैं, आपको भी अच्छे लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।